ओम शांति। आपका प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पार्ट। ब्रह्मा बाबा के जीवन में, वैसे तो सबके जीवन में ये समय आता है, आएगा कि उसने शरीर छोड़ना है। ब्रह्मा बाबा का अनुभव यह था कि जैसे दादी गुलजार शरीर छोड़कर जाती है, ऐसे आज मैं भी जा रहा हूं। उसे यह नहीं मालूम था कि मुझे वापस आना ही नहीं है शरीर में। ये स्टेज उनको अपनी संपूर्णता पर मिली। जब उन्होंने संपूर्ण फरिश्ता स्टेज को प्राप्त किया, मीन्स उनके बुद्धि में कोई अपना पराया नहीं रहा, सब एक समान हो गए। अमीर गरीब छोटा बड़ा सब। तब उन्होंने इस शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके फरिश्ता रूप को अडॉप्ट किया। बाकी जो दादियां दीदियां जो संदेशियां जाती, वो केवल थोड़ी देर के लिए उस फरिश्तेपन का अनुभव करते। वापिस देह में आना है, देह में रहते हुए फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है, परंतु ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग कर फरिश्ता स्टेज को प्राप्त किया। बाकी सब आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो तुरंत गर्भ में प्रवेश करेंगी। किसी आत्मा को कोई विशेष पार्ट हो कि उसने कुछ समय कुछ और पार्ट बजाना है, पर काया प्रवेश करके अपना कुछ कार्य करना है, तो वो आत्मा शरीर ना ले। ऐसा करोड़ों आत्माओं में कोई एक आधी आत्मा के साथ ऐसा होता है, वरना नियम अनुसार आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा और गर्भ में प्रवेश किया। तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट अलग रहा। अव्यक्त पार्ट के कई पहलू हैं। जैसे एक पहलू था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए क्योंकि हद में शरीर के आधार से सेवा हो सकती है, परंतु शरीर के आधार से बेहद में सेवा नहीं कर पाते थे। अब पूरे विश्व की आत्माओं को वो सेवा में शामिल कर सकते थे। यही परिणाम निकला कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो चारों तरफ विश्व में सेवाओं की धूम मच गई। इससे पहले नहीं, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद चारों तरफ विदेशी सेवाओं की धूम मच गई। जगह जगह सेंटर्स खुलने शुरू हो गए, जगह जगह सेवाएं शुरू हो गई, जगह जगह भाई बहनों को टचिंग शुरू हो गई और वो ज्ञान में आने लगे। एक तो था कि सेवा को एक बहुत तीव्र गति दी ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के बाद। दूसरा, उनका ये पार्ट, अशरीरी पार्ट, नंगा पार्ट, ना अंगा पार्ट, शंकर के रूप में बजाना था, जिसके द्वारा वो सारी विनाश की तैयारियां करानी थी। वो संकल्प के द्वारा वो प्लानिंग करानी थी, जो प्लानिंग यहां ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के सामने नहीं हो सकती थी। स्थापना का आधार मुहूर्त बन गया, अब आधार को हटना है और सारी दुनिया को अपने सहारे पर खड़ा होना है।
सूरज और चांद को छिपना है और तारों को चमकना है। तेज चमकने वाले तारे भी छिपेंगे तो कम चमकने वाले तारों की रोशनी चमक बढ़ेगी या उनका प्रभाव चारों तरफ दिखाई देगा। तो ब्रह्मा बाबा का पहला पहला पाठ क्या है? अव्यक्त होने के बाद उन्होंने विश्व में सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाया, लोगों को, आत्माओं को यज्ञ में जोड़ा। दूसरा काम, विनाश की तैयारियां कराई और सभी जो भी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सूक्ष्म वतन में सारे कार्यक्रम की प्लानिंग उनको दी। और जब इस प्रकार की सेवाएं करते करते सेकंड स्टेज को पार करते हैं, क्योंकि इसमें मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आ करके साथी बन करके सारे विश्व की आत्माओं को ब्रह्मा बाबा की संकल्प शक्ति से पालना मिलती। ये पाठ 33 वर्ष का चलता है जिसमें वो आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर तब वो ब्रह्मा सो विष्णु तीसरे पार्ट में जाती है, क्योंकि ये ब्रह्मा का रोल तीन रूप में है। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त फरिश्ता से संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तब विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते, तब तक अव्यक्त पाठ चलता है जिसमें सेवा की विहंग मार्ग की सेवा कहें और तीव्र गति की सेवा कहें, दूसरा विनाश की तैयारियां कहें। अब नव युग में नए संस्कारों को पालना देनी है तो वो चलता है विष्णु का पाठ 33 वर्ष और फिर एक वर्ष सभी आत्माएं एक साथ परमपिता परमात्मा के साथ घर जाएंगे। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।